हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको एक प्लान दिखाने जा रहे हैं जो कि 35 फीट चौड़ा है और 42 फीट 7.5 इंच का लंबा है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसा कि प्लान में आप इसमें कैसे हमने कैलकुलेट किया वो भी आप देख सकते हैं। सारी डायमेंशन को हमने ऐड करके जोड़ लिया है, जैसे कि ये देख सकते हैं इसकी लेंथ की ये एडिंग है, 42 फीट 7.5 इंच का लंबाई है। अब इसमें देख सकते हैं ये पहला बेडरूम है जिसकी लंबाई है 14 फीट और चौड़ाई भी है 14 फीट। जैसा कि हम आपको रेक्टेंगल से ड्रा करके दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बेडरूम है। इसके बाद बात करते हैं बाथरूम और डब्ल्यूसी की। तो बाथरूम जो है 5 फीट 3 इंची बाई 5 फीट और डब्ल्यूसी 3 फीट 4.5 इंची बाई 5 फीट का है और ये ओपन स्पेस है 6 फीट बाई 4 फीट का, जो वेंटिलेशन के लिए काम देगा। जैसा कि ये दोनों बेडरूम के भी बगल में बीच बीच में विंडो डाला गया है जिससे बेडरूम में वेंटिलेशन बना रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला बेडरूम 12 फीट 6 इंची बाई 14 फीट था। ठीक है, अब बात करते हैं किचन की, जो कि 9 फीट 9 इंची बाई 7 फीट का है जिसमें यहाँ पे विंडो दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा सा लॉबी है 18 फीट 9 इंची बाई 7 फीट का। ठीक है, और लॉबी के जस्ट बगल में ये स्टेयर आप देख सकते हैं अच्छा सा लंबे में। ठीक है, दोनों के कॉर्नर कॉर्नर पे कॉलम रहेगा। अब ये सब होने के बाद अब हम बताते हैं आपको इसमें आप जो ये बीच में 3 फीट 6 इंची का ये पैसेज है आने जाने के लिए। ठीक है, एक विंडो दे डोर दे सकते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट लॉबी में जा सकते हैं। ठीक है, और ये ड्राइंग रूम है 14 फीट बाई 15 फीट 1.5 इंची का। इसके जस्ट बगल में किचन है 6 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 1.5 इंची का और इसके जस्ट बगल में टॉयलेट 3 फीट 9 इंची बाई 7 फीट 1 इंची का। ठीक है, और ये है बरामदा 10 फीट 10.5 इंची बाई 8 फीट का और यहाँ पे एक सर्कल कॉलम होगा और ये कुछ स्पेस बच रहा है, इसे हम अपना लॉबी बना सकते हैं 11 फीट बाई 10 फीट का। ठीक है, और लास्ट में 4 फीट वाइड बालकनी दे दिया जाएगा जिससे ये सुपर्ब लगेगा पूरा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।